साथियों, पार्टी का नाम पहले विरोध दल की पार्टी था, लेकिन कुछ लोगों ने पार्टी पर कब्जा करके अपना मनमानी करना चाहा, अपने आप में डिक्टेटरशिप चलाना चाह रहे थे। कार्यकर्ताओं को सुना नहीं जाता था, कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जाता था, अपने गार्जियन अपने अभिभावक को सम्मान नहीं दे पाते थे। साथियों, जब अपने गार्जियन को, अपने अभिभावक को, अपने चाचा को सम्मान को नहीं दे सका, वो आपको कैसे सम्मान दे सकता है। इसलिए पार्टी सब लोग सोच करके, पार्टी के सांसद सारे सांसद मिल करके, और पार्टी में जो जिनको जानकारी राजनीति कुछ नहीं थी, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, और सारे सांसद मिल करके, और हम लोग कहता आदरणीय जो अभी केंद्र में भारत सरकार के मंत्री हैं पशुपति कुमार पारक, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। और आज उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकतंत्र की पार्टी है। पहले चुनाव चिन्ह झोपड़ी छाप था, लेकिन आज चुनाव चिन्ह बदल करके सिलाई मशीन हो गया है, क्योंकि हमारे माताएं बहने हमेशा सिलाई मशीन का उपयोग करती है। सिलाई मशीन एक ऐसा समान है, ऐसा चीज है जिसका उपयोग हम लोग इतने भी कपड़ा पहनते हैं, सब चीज खुशी में काम आता है, लघु करने का काम आता है। ऐसा चुनाव चिन्ह मिला है आप सबों को लघु करके, आप सबों को जोड़ करके, और राष्ट्रीय लोकतंत्र की पार्टी चलने का काम करेंगे। आप सभी से आग्रह करके आए हैं हम लोग कि हम लोग के नेता आदरणीय पासवान जी हमेशा से गरीबों का लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ते रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, हमेशा गरीबों के पक्ष में, हमेशा गरीबों की बात, हमेशा गरीबों की आवाज बन करके रहते थे। आज उन्हीं के विचार को लेकर के हम लोगों गांव के प्रगतियों पर जाना है, चाहे इसके लिए हमको जहां जाना पड़ेगा, गांव से लेकर के पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर तक, हम लोग हर जगह जाकर के अपने नेता के विचार को, अपने पार्टी के सिद्धांतों को फैलाएंगे।